बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, नकद के साथ लाखों की सामान हुई चोरी। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बरहेता रोड स्थित एक महीने से बंद घर में अज्ञात चोरों ने ताला को तोड़कर नकद रुपए सहित लाखों के सामान चोरी कर चंपत हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बहादुरपुर थाना की पुलिस सहित सदर DSP मौके पर पहुंचकर छानबीन कर जांच में जुट गई है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मंगलम विवाह भवन के समीप सुधीर कुमार की एक महीने से बंद घर का ताला तोड़कर लगभग 60,000 रुपए नकद सहित जेवरात, टीवी आदि सामान चोरों ने ले गए। घर के मालिक सुधीर कुमार पिछले माह घर में ताला बंद करके पूरे परिवार सहित इलाज के लिए पटना गए हुए थे। जब वे इलाज कराने के बाद घर लौटे तो मुख्य गेट का ताला लगा हुआ था। जब ताला खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया गया तो पूरे परिवार अचंभित हो गए, क्योंकि घर के गेट के सभी ताले, घर के अंदर की सभी अलमारी का ताला भी टूटा हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। सुधीर कुमार जी का आवास है, घर में बंद, घर को बंद करके इलाज होते बाहर गए हुए थे। आज इलाज करा के आए हैं तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अज्ञात चोर जो है ताला का, घर का ताला तोड़ कर चोरी की गई है। इस संबंध में जो है कि छानबीन की गई है और इस संबंध में जो है अगल बगल CCTV को देखा जा रहा है। उसके लिए टीम गठित कर दिया गया है, जो CCTV देख रहे हैं, टेक्निकल का भी है, सहयोग दिया जा रहा है, टीम को बुलाया गया है। कैसे ऐसा प्रतीत होता है कि घर जो बंद था तो फ्रंट में जो मेन ग्रिल है उसको ताला तोड़ दिया है और ताला तोड़ करके ट्रेक रूम का ताला तोड़ कर करके घर में एक मिनान से जो है कि सभी सामान को अस्त व्यस्त छीट कर करके जो भी भेले में सामान ले जाने की बात है, लेकिन अभी तक इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। इलाज कराने गए थे, अच्छा, डॉक्टर से पटना आए हैं 1:30 बजे, देखे जैसे एंट्री किए हैं तो सब लॉक टूटा हुआ, सब कुछ टूटा हुआ है। और घटना यही है कि हमारे मम्मी पापा हैं ये जी। ये लोग पटना आए थे मेरे पास इलाज कराने के लिए, तो क्या हुआ कि आज हम लोग एक महीने के बाद यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। आते ही बस मेन गेट जो है उसका लॉक लगा हुआ था, उसके बाद जितना सीढ़ी के पास से जितना भी लॉक है सबको गैस कटर या कोई भी चीज के थ्रू काटा गया है, ताला काट के फेंक दिया गया है। और 7-8 अलमारी है सबको तोड़ के, सब में से कीमती 20-30-40 हजार वाला बनारसी साड़ी जो भी 40-50 होगा वो सब ले लिया गया है। 50-60-70 हजार जो भी हो हमारा घर खर्च का और इलाज का पैसा वो भी नहीं है। छोटा मोटा ऑर्नामेंट्स होगा जो लेडीज का होता है वो याद नहीं है, वो सब भी गया होगा। अभी हम लोग को हाथ देने के लिए नहीं बोला गया फिंगरप्रिंट्स के कारण। जाप सुप्रीम पप्पू यादव की पत्नी पहुंची दरभंगा। आज दरभंगा DMCH में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुपौल के पूर्व सांसद जाप सुप्रीम पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन ने भारत सरकार और बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना। आइए हम आपको सुनवाते कि दरभंगा पहुंचकर उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए क्या कहा। बोलेंगे कि कुछ दिन के बाद आपको शायद पता चले कि आपको भी बेच दिया गया है और आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने उनको कुर्सी में बिठाया है और अपना नेतृत्व करने के लिए दिया है। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि आप अपने घर को संभाल रहे हैं। मैं कहूँगी कि ये मुख्यमंत्री साहब को निर्णय लेना है और जाति मतगणना की बात बहुत पहले से चली आ रही है। चूँकि देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल पूछेंगे तो हम सरदार फैमिली से आए और फिर पप्पू जी से मेरी शादी हुई, हम आप OBC कहलाते हैं। लेकिन अगर आप हमको बोलेगा कि किसी रिजर्व सीट में आपको लड़ना है तो हमको नागवार है, हम लड़ लेंगे बिल्कुल जनरल सीट से। लेकिन जो सिचुएशन है बिहार की, उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश की, जो खासकर हिंदी भाषी आप देश प्रदेश कहेंगे उनकी, और दलितों की और अति पिछड़ों की, पिछड़ों की, तो जो उनको न्याय मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश के तहत उनके साथ गलत होता है, जिसके तहत ये बात आ रही है कि जातीय मतगणना होनी चाहिए। अगर नियत में खोट अगर नीतीश बाबू के भी नहीं है और PM मोदी के भी नहीं है और वो बार बार OBC की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो उनको जातीय मतगणना देख करनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के प्रधान कार्यालय सुंदरपुर छठी पोखर लालबाग दरभंगा के प्रांगण में पार्टी की स्थापना के द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में द्वितीय स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कृष्ण कुमार दास जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के साथ तमाम पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कृष्ण कुमार दास ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत वार्ड स्तर से लेकर प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को मजबूती से काम करने के लिए प्रोत्साहित किए। संगठन को और मजबूत करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बिहार में व्याप्त चार प्रमुख समस्याएं शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा एवं बेरोजगारी को उठाते हुए कहा कि हमारी पार्टी इन सभी मुद्दों पर जोर शोर से काम करेगी एवं आने वाले सभी लोकसभा विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारती रहेगी। देश है आज का कार्यक्रम है राष्ट्रीय जन विकास पार्टी जिसका मैं संस्थापक हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार दास। आज इसका द्वितीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आज के दिन हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे प्रदेश में हम इसको बिल्कुल जमीनी स्तर से इसका विकास करेंगे और आने वाला जो भविष्य में विधानसभा का जो चुनाव होगा हम उम्मीद करते हैं हम अपनी सरकार में हम जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे हमें सहयोग करें और हम उनके लिए जो खासकर अभी चार समस्या है हमारे प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा और बेरोजगारी की जो समस्या है हम उसको दूर कर सकते। कृष्ण कुमार दास राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार दास जी जो बोले हैं उनकी बातों में 100% दम है और हम अभी तो हमारा ये पार्टी बहुत ननिहाल है इसका अभी हम लोग है तो दूसरा ये सब वर्षगांठ मनाने के लिए जा रहे हैं स्थापना दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये पार्टी वट वृक्ष के तरह ये भी है सो पार्टी विशाल हो जाएगी और लोगों को है सो राष्ट्रीय जन विकास पार्टी में है सो विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास और शिद्दत और लगन के साथ है सो इस पार्टी से लोग जुड़े और जुड़ करके एक ऐसा समय आएगा कि हम इस पार्टी को है सो पूरे बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे भारत की बात करता हूँ कि राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का साम्राज्य है सो पूरे भारत वर्ष में होगा। अपना परिचय। मेरा नाम शशि भूषण दास है मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हूँ और मैं रोसड़ा विधानसभा से है सो विधायक का चुनाव भी लड़ा था और राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का मैं एक है सो मुझे है सो एक जिम्मेवारी दी गई है मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम ने कुशेश्वर स्थान सती घाट प्रखंड के कार्यालय परिसर में बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान पश्चिमी से बाढ़ राहत कार्य के 01 बिंदु की जानकारी ली तथा बाढ़ राहत कार्य अच्छी तरह से चलाने का निर्देश दिया। बाढ़ सहायता राशि जी आर की समीक्षा के दौरान उन्होंने अंचलाधिकारी को बाढ़ प्रभावित परिवारों का सर्वे करा लेने का निर्देश दिया तथा सभी प्रभावित परिवारों के खाते में जी आर की राशि 06,000 रुपए की दर से भेजने के निर्देश दिए। पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का मुआयना कर शीघ्र ही मरम्मति कराने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान फसल क्षति कोविड टीकाकरण एवं सामुदायिक किचन की जानकारी ली गई। इसके उपरांत मध्य विद्यालय मसानखुर में चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया तथा उपस्थित स्थानीय लोगों से बाढ़ राहत कार्य का फीडबैक लिया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार जिला कृषि पदाधिकारी राधारमण अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल वज्र किशोर लाल अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आपदा प्रभारी सत्यम सहाय प्रभारी पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। दरभंगा कुशेश्वर स्थान कारसेवक राम सुबोध चौधरी के आवास पर हिंदू हृदय सम्राट राम मंदिर के प्रथम नींव रखने वाले श्रद्धेय कल्याण सिंह जी निधनोपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने कल्याण सिंह जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। श्री चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल्याण सिंह का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से सच्चे देशभक्त राष्ट्रवादी विचारधारा के स्तंभ व धर्मनिष्ठ राजनेता को खो दिया।
उनके ही छत्र छाया में भाजपा का इतना विस्तार हुआ और लगभग पूरे भारत पर भाजपा का शासन है। वही भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सह जिला कार्य समिति सदस्य और पूर्वी के प्रभारी श्री सुभाष चंद्र चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री संजीव झा ने भी संबोधित किया। मौके पर निवर्तमान जिला परिषद सदस्य कामेश्वर राम दहेज, मुख्य मिथिला के जिला संयोजक मनोज शर्मा, घनश्याम चौधरी, रेखा देवी, संगीता देवी, अजीत झा, कमलाकांत चौधरी, अरुण झा, बैजू साहू, गंगाकांत चौधरी, पप्पू साहू, नीतीश चौधरी, महेंद्र राय, गंगाकांत चौधरी, संतोष झा, कमलेश राय सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।